शुक्रिया लेफ्टिनेंट साहब, हम आपका मन मकाम सादर मजलिस जनाब मोहम्मद रमजान डेंग साहब, चीफ गेस्ट रेस्पेक्टेड अमीन साहब और गेस्ट ऑफ ऑनर मोहतरम प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नील। ये अगर मेरे साथियों और दो मिनट का वक्त है, क्या बोलूँ है क्या नहीं बोलूँ, तो मैं सबको अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ कि ऐसे एक छोटे से अदारे में संगम है, इतनी बड़ी तकरीब हुई और इतनी हस्तियाँ आई, मगर थोड़ा सा दुख है अपने भाइयों और साथियों से कि वो दूर बैठे हैं, अगर नजदीक से हमारी बात सुन ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, ये थोड़ा सा कुछ आड़ सा लगता है कि जो लोग दूर हैं, अगर दूर से लोग आए हैं कुछ सुनाने के लिए, दो बातें सुनने के लिए, अगर नजदीक आ जाए तो अच्छी बात है, अगर लतीफ साहब तार छाप का अरेंजमेंट कर दे तो अच्छी बात है, उधर दूर से अच्छा नहीं लगता है, कुर्सियां हैं यहाँ और बच्चे लोग जो है थोड़ा शोर कम कर दे, क्योंकि आपका एक्सपोजर मुझे पता है, मैं बनाल में रहा हूँ, हर जगह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अपनी आवाम से कि थोड़ा सा बच्चों को की जो देखभाल करे। मैं टॉपिक से थोड़ा हट गया, इट टेक्स टू मेक ए क्वायर, मैं दो हाथ से ताली बजती है, खाली उस्ताद जो है वो चने नहीं चबाएगा, आपने खुद भी मेहनत करनी है, आपने अपने बच्चे की भी परवरिश करनी है। अगर गायों के पीछे छह घंटे गुजारते हो, कम से कम तीन घंटे तो बच्चे के पीछे सुबह सवेरे गुजारो। अगर यही हालात रही तो हमारे एजुकेशन का सत्यानाश हो जाएगा दो चार साल में। कोई लड़का इस यहां से जो है हमारा कोई डॉक्टर नहीं हो रहा है, नहीं इंजीनियर हो रहा है, लिहाजा आप बच्चों पर बड़ी जिम्मेवारी है। मैं इस मौजू से हट गए थोड़ा सा, क्योंकि मैं इमोशनल हो जाता हूं, मुझे इधर बोलने का बहुत कम ही मौका मिला, मैं ड्यूटी देने का मौका मिला तो पहली बार अपनी आवाज से सामने, तो थोड़ा सा मेरा इश्तियाल आ गया मुझे थोड़ा सा, तो मुझे अंदाजा है कि आप माफ करेंगे। तो मैं लतीफ साहब वगैरह और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ा खुश हूँ कि इन्होंने हमें भी बुलाया, हमारे जो क्लस्टर हेड है, असल में क्लस्टर हेड जो होता है वो प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नील है, जिसके अंदर 29 स्कूल है, वो यहाँ कहते हैं क्लस्टर हेड तो वो है, वो एजुकेशन वाले कह रहे हैं, हु इज क्लस्टर हेड, जो इस पूरे अदारे का हेड है वो किसी को फोन पर कहीं भेज सकता है, डिप्लॉय कर सकता है, किसी का ट्रांसफर रिकमेंड कर सकता है विद इन 5 मिनट्स। आप ये नहीं समझे कि क्लस्टर हेड कौन होता है, खैर इन बातों की वजाहत बाद में होगी। तो ये मैं कह रहा हूं कि शरीफ साहब ने थोड़ा सा इशारा दिया और तारक साहब ने, तो मैं वजाहत करना चाहता हूं कुछ पॉइंट्स की, कि क्लस्टर हेड जो होता है ही कैन डू एनीथिंग इन हिज ज्यूरिडिक्शन। वो मुझे भी इस वक्त कहे यासिन साहब काल जाओ जी, अभी मुझे कहेगा काल जाओ जी बहाल जाइए ऑफिस में जी, स्टाफ की डिमांड करो मुझे जाना है, कल कहेगा फलानी सीओ ऑफिस में जाओ हमें जाना है, तारक साहब को भेज देगा, फोन कर भेजेगा, व्हाट्सएप में भेजेगा। तो हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की बहुत किल्लत है, इसीलिए हमारी कौम जो है वो झटके खा रही है इन मामलात में, मैं ज्यादा बह जाऊंगा। तो मैं रेस्पेक्टेड अमीन साहब की तारीफ में यही कहूंगा कि मुझे लगता था कि हमेशा मैंने इनको अपने आप से छोटा समझा, जब प्रहंदर में थे मैं हमेशा इनको छोटी नजर से देख रहा हूँ और इवन टू काल तक, तो माशाल्लाह ये हमारे हमसे पहले रिटायर हो रहे हैं, तो बहुत ही इज्जत से इन्होंने नौकरी की, कभी आँच नहीं आई, कभी कुछ नहीं आया, मेरे साथ भी इन्होंने 10 साल गुजारे, उसके बाद यहाँ भी रहे, तो एक जो है ना साइलेंट वर्कर रहे ये समाज में, कभी ऊँचा नहीं बोला, अपने काम से काम रखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है इनको अगर कोई छोटी नोक झोंक होगी तो वो बख्श देगा, और अल्लाह ताला इनको जो है आगे जो जिंदगी जो है वो चैन और सुकून से गुजारने की जो है तौफीक अता करेगा। तो मैं खुश हूँ और मुबारक देता हूँ इसको इस घड़ी पर कि आज की डेट में बगैर किसी दबदबे के वो अपने फराइज मनसबी से सुपुर्दोश हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जब ये टीचर लगे थे तनख्वाह तो ये फिर 50,000 लेंगे, मगर एक जो इसकी लाइफ है वो चेंज हो जाएगी, अब ये सीनियर सिटीजन में आएगा, वो सीनियर सिटीजन में अगर ये खिदमत करना चाहे तो दैट इज ए वास्ट, इसके लिए और जो जुबान बंद थी जुबान खुल सकती है इसकी, ऐसी बात नहीं है।
तो ये और खिदमत कर सकते हैं अपने ये समाज के, क्योंकि लाइफ स्पैन जो है वो बहुत छोटा है। मुझे 2 मिनट का वक्त मिला था, मैं थोड़ा बह गया, तो मैं यही कहूंगा, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, ये सबका है। मुझे यहाँ ये याद आता है कि मैंने इस बच्चे की तरह प्राइमरी में यहाँ धूल चाहती है, फिर यहाँ से हमारे उस वक्त क्रिमल मकाम जो उस्ताद है अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, इब्राहिम साहब ने 5वीं तक पढ़ाया और बाकी में जाकर 8वीं तरह की जो हमने मुकाबला किया, वो उनसे सबसे खास है, वो उस्ताद होते हैं। उसके बाद मैं शायद उसी प्राइमरी एजुकेशन की वजह से मैं कभी जिंदगी में फेल नहीं हुआ। ये एक रिकॉर्ड है कि चाहे 10th है, 11th है, बीएड है, सीएड है, एमए है, मैं कभी जिंदगी में फेल नहीं हुआ हूँ। और सारा क्रेडिट मैं देता हूँ जो मेरी प्राइमरी स्कूल टीचर था, जिसने मुझे हाथ पकड़ के सिखाया था, वही मेरा। उसके बाद जो है इधर उधर की पढ़ी मगर लिखाई मुझे वही रही, ग्रामर मेरा वही रहा। तो इसलिए बेसिक एजुकेशन को आज के दौर में हमको फोकस करना चाहिए। समाज के वर्कर से मैं कहता हूँ कि आप स्कूलों में जाओ, आप स्कूलों में अपने टीचरों को पूछो कि क्या कर रहे हो, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। परसों हमने हायर सेकेंडरी नियर में पेरेंट्स मीटिंग बुलाई, 600 बच्चों को कहा हमने कि अपने पेरेंट को लाओ, और सुबह 3 पेरेंट आए थे। इंतहा है कि बच्चों की तरफ कोई तवज्जा नहीं दे रहे हैं। हमारे पेंचेस हैं, हमारे सरपंचेस हैं, हमारे डीडीसी साहिबान हैं, मैं इसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हर स्कूल में वक्तन फोक्तन जाया करें और पूछे हमसे कि आप क्या कर रहे हो, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर उस्ताद में कोताही होगी तो हम जवाब देंगे, अगर बच्चों में या पेरेंट्स में कोताही होगी तो पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबल है। मैंने यही कहा कि 2 हाथ से ताली बजती है, तो बच्चों के लिए यही पैगाम है कि बच्चों ऐसे अगर पढ़ोगे तो कुछ नहीं करोगे, क्योंकि बहुत मेहनत करनी है, कॉम्पिटिटिव दौर है। आजकल दौर जो है कम से कम 6 नहीं अब 12 घंटे पढ़ना है 24 घंटे में, फिर जाके कोई मंजिल पैदा होगी आपकी। और अगर आपके इरादे मुसम्मम हो, पुख्ता हो, तो इंशाल्लाह आप जो है हमसे ज्यादा आगे जाओगे। अकाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इन्हीं अल्फाज से आपसे अलविदा होता हूँ, खुदा हाफिज़। थैंक यू सर।